हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे हम लोग ट्रांसलेटर, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, एक सिंपल एकदम सिंपल समझना आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। तो देखो, आप कहीं भी जाते हैं, मान लो मैं भाई आज छत्तीसगढ़ में हूँ, मुंगेली में हूँ, कल मेरे को जाना है कहाँ, अमेरिका। ठीक है, तो मैं अमेरिका गया, मुझे बोलना क्या आता है, हिंदी, ठीक, इंग्लिश नहीं आता, तो कैसे करोगे वहां पे? एक आप गाइड रखोगे, वो गाइड क्या करेगा, जो आप बोल रहे हो उसको वो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाले को कन्वर्ट करके बताएगा, ठीक है। और उधर से जो इंग्लिश में जो टॉक करेगा वो उसको वो आपको क्या करेगा, हिंदी में बताएगा। तो कुल मिला के एक गाइड का जरूरत पड़ रहा है, जो क्या कर रहा है, आपके लैंग्वेज को उसके तक पहुंचा रहा है और उसके लैंग्वेज को आप तक पहुंचा रहा है। तो यही काम हो जाता है आपका ट्रांसलेटर का। अब देखो, कंप्यूटर के भाषा में देखेंगे तो कंप्यूटर के भाषा में सीधा सीधा लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूजर का मशीन के बीच का पुल होता है। जैसे मैं यूजर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर क्या हो गया, मशीन हो गया, तो दोनों के बीच में पुल का काम करता है। मतलब इस साइड यूजर, इस साइड क्या हो जाएगा, आपका मशीन हो जाएगा। अब देखना होता क्या है, जैसे मैं किसी भी चीज को टाइप करता हूँ या किसी भी चीज को जैसे हिंदी में टाइप कर दिया, इंग्लिश में टाइप कर दिया, तो उसके जो आपका कंप्यूटर है वो डायरेक्ट उसको नहीं समझ पाता, तो वहां पे उसको क्या लगता है, ट्रांसलेटर लगता है। और जो कन्वर्ट होकर उसके पास जाएगा वो जाता है मशीन कोड में, या उसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में जब वो यूजर को आउटपुट देगा तो यूजर नहीं समझेगा, तो दोनों के बीच में ट्रांसलेटर क्या का काम कर रहा है, पुल का काम। कहने का मतलब यही हो रहा है कि मैं जो लेटर टाइप कर रहा हूँ उसको डायरेक्ट आपके कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, और जो आपके कंप्यूटर जो है आपको आउटपुट दे रहा है उसको आप नहीं समझ रहे, क्योंकि हमारा लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज रहता है और आपके कंप्यूटर का लैंग्वेज जो रहता है वो मशीन लैंग्वेज। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज रहता है, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कितने चलता है आपका, जीरो और वन, ठीक है, जीरो और वन, तो इसको याद रखना है। तो जीरो और वन में अगर भाई अपने भाषा में आपको बताएगा तो आप समझ जाओगे, नहीं समझोगे। इसीलिए यहाँ पे हमको किसकी आवश्यकता होती है, ट्रांसलेटर की, जो लैंग्वेज को क्या करे, ट्रांसलेट करे। मतलब हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर तक पहुंचाए और कंप्यूटर के लैंग्वेज को हमारे तक पहुंचाए। ठीक है, अब जरूरत क्यों पड़ती है इसकी, तो मशीन भाषा के अतिरिक्त सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जीरो और वन के अलावा अंकों और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर सीधे इसे पढ़ नहीं पाता, लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन अंकों और शब्दों को अथवा लैंग्वेज को बाइनरी अंक में क्या कर देता है, बदल देता है, ताकि कंप्यूटर इसे क्या कर सके, आसानी से पढ़ सके, ठीक है, और प्रोग्राम के अनुसार क्या कर सके, कार्य कर सके। अब देखो कितने टाइप्स के होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीन टाइप्स, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कितने टाइप्स, तीन टाइप्स, कौन कौन सा, तो असेंबलर, दूसरा होता है आपका कंपाइलर, और तीसरा होता है आपका इंटर। ठीक है, ये तीन प्रकार के क्या होते हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब सबसे पहले आप देखो असेंबलर क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या चीज को देखेंगे, असेंबलर। तो असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। किसको, तो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है असेंबलर। बहुत ही फास्ट वर्क करता है, मतलब इसको वर्क करने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब फास्ट वर्क करता है, कौन आपका, असेंबलर। ठीक है, अब देखो आपका जो असेंबलर है वो कैसे कार्य करता है, आप इस डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डायग्राम आपका, किसका, असेंबलर का, आप इसको ध्यान से देखना। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब इस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कौन कन्वर्ट करेगा, असेंबलर करेगा।
ठीक है, किसमें कन्वर्ट करता है, इसको करेगा वो मशीन में, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, तो असेंबलर क्या करता है, तो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को उठाता है, असेंबली लैंग्वेज को उठाने के बाद क्या करता है, वो असेंबलर के पास आता है असेंबली लैंग्वेज, फिर उसको वो क्या कर देता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम फाइल, क्या बोलेंगे, सोर्स प्रोग्राम फाइल बोलेंगे, और जो कन्वर्ट होता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो ये असेंबली लैंग्वेज का कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, तो बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका कंपाइलर, दूसरा क्या होता है, कंपाइलर, अब ये कंपाइलर कैसे कार्य करेगा, तो कंपाइलर जो है वो 4G लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। 4G लैंग्वेज मतलब फोर्थ जनरेशन की जितने भी लैंग्वेज है, और आपके जो क्या बोलेंगे हम उसको 4G लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में किसमें बदलेगा, ये मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। इसका एक एडवांटेज ये है, ये क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को एक साथ उठाएगा, जितने भी सोर्स कोड है उसको क्या करता है, एक साथ उठाता है, और एक साथ उठा के क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखना ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ये क्या है आपका कंपाइलर है। ठीक है, उसको क्या करेगा, किसमें बदलेगा, तो आपका मशीन, मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, और ये बदलता कैसे है, तो सोर्स प्रोग्राम मतलब सोर्स फाइल को क्या करता है, रो बाय रो, रो बाय रो, मतलब एक पेज को पूरे एक बार उठाया, वो पेज को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, जो भी उसकी गलती है वो एक साथ क्या कर देता है, बता देता है। ठीक है, तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, या 4G लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, बदलने का काम करता है। ठीक है, या सोर्स लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज सभी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एक साथ उठाता है और एक साथ क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये किसका काम हो गया आपका, कंपाइलर। अब देखो तीसरा होता है आपका इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक बेसिक अंतर है, आपका कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को एक साथ उठाएगा और कन्वर्ट कर देगा, जबकि आपके इंटरप्रेटर जो है वो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे मैं एक पेज लिखा, एक पेज को लिखने के बाद अगर मैं कन्वर्ट कराता हूं, तो वो पेज को क्या कर देता है, कंपाइलर पूरा कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेटर कैसे करेगा, इंटरप्रेटर, नाम में ही जाओ इंटरप्रेटर। ठीक है, तो क्या करेगा आपका, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या होगा, तो कंपाइलर जो है पूरे सोर्स कोड को एक साथ उठा लेता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है, जबकि आपके इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, एक एक करके मतलब लाइन बाय लाइन क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंटरप्रेटर, तो हाई लेवल लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम है, मतलब जो सोर्स प्रोग्राम हम लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, सोर्स प्रोग्राम, उसको उठाएगा अपने पास लेके आएगा, फिर उसको लाइन बाय लाइन क्या करेगा, आपका ट्रांसलेट करता है, और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके फिर किसमें आपको दिखाएगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो मशीन लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल बोला जाता है। ठीक है, हाई लेवल को क्या बोला जाता है, सोर्स प्रोग्राम फाइल बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल। ठीक है, तो यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कौन आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है 4GL मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज तथा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, चेंज करने का काम करता है, या किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है। कैसे चेक करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करता है, इनमें इरर को एक समय एक बार दिखाया जाता है या बहुत ही स्लो होगा। अब स्लो कैसे होगा भाई, कंपाइलर जो है पूरे पेज को एक साथ कर देता है तो वो फास्ट हो गया, इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, तो लाइन बाय लाइन करेगा तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कितने प्रकार का होता है, तो तीन, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, थैंक यू।